जिस देश में प्रमोशन के लिए इनकाउंटर किए जाएं, जहां सुप्रीम कोर्ट के चार चार मोस्ट सीनियर जजेज ही जनतंत्र खतरे में है यह कहकर जनता से इसे बचा लेने के लिए गुहार लगाएं, जहां रोजगार के नाम पर देश के बेरोजगार युवकों से पकौड़े छनवाने की बात की जाए। मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? लेकिन रोका कैसे जाता है? नए रोजगार, नौकरियां, और नौकरियां ही नहीं, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का जो आपने वादा किया था वो कितना पूरा हुआ? कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एकाध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपोजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आपके जीटीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपए कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको आप देखोगे कहीं सरकारी दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था बहुत बुरी। जहां देश का राष्ट्रपति दलित पिछड़ों का न्यायपालिका में समुचित प्रतिनिधित्व न होने पर चिंता जताए, जहां देश का पीएम जनता से झूठ बोलकर वोट ले और पूछने पर उसे जुमला बता दिया जाए, अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, जुमला है। जहां देश की 73% संपत्ति डगर कर 1% पूंजीपतियों की तिजोरियां भरे और 99% लोग केवल 27% संपत्ति में गुजारा करने के लिए मजबूर हो जाएं, जहां अपराधी ही अपराध का वीडियो बना करके वायरल करे और इससे भी अधिक बड़े पैमाने पर भय और आतंक का माहौल कायम किया जाता रहे, तो समझो कि क्या हम उसी गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के भारत देश में जिंदा हैं, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था और जहां विदेशी छात्र पढ़ने आते थे। अब इसके बाद हमारे आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि क्या हम जनतंत्र में रह रहे हैं या जंगल तंत्र में? अच्छे दिन वाला जो वाक्य हमारे गले में लटका है, इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। ये मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो एनआरआई की, ये मुझे मोदी जी ने बताई हुई कहानी है, ये पर हमारे ऊपर ऐसी चिपक गई कि जो चिल्लाता वो पूछता आपको अच्छे दिन कब आएंगे। ये हमारे गले में लटकी हुई हड्डी है, अच्छे दिन कभी नहीं आते। आप इस पर सोचिए और देश का युवा वर्ग जरूर सोचिए।